हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर माय व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चूँकि इसको बाज़ स्टूडेंट्स जो ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सीखने में और समझते हैं कि ये पास्ट टेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए इसके उर्दू फिक्रों के आहर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या गया है, गए हैं, गई है, वगैरह वगैरह। मैं हर टेंस में बताता हूँ कि ये उर्दू की जो पहचान है, ये इसकी ओरिजिनल या इसकी रियल पहचान नहीं है, सिर्फ उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हम सीखते हैं। तो वैसे जो है इसकी रियल जो पहचान है, रियल डेफिनेशन ये है, कोई एक्शन या कोई काम या कोई इवेंट जो अभी हुआ, मसलन मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, बच्चा सो चुका है, कोई भी काम जो हाल में ख़त्म हुआ हो और जिसका माजी के साथ कोई लिंक ना हो, ये उस वक्त तक प्रेजेंट टेंस गिना जाएगा जब तक आप पास्ट के साथ कोई डेट नहीं लगा देते। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ सेड, अब पास्ट में बात कोई कही गई, लेकिन जब तक हम उसका टाइम नहीं लगाते इसके साथ, उस वक्त तक वो प्रेजेंट में ही काउंट होगा, प्रेजेंट में ही गिना जाएगा। तो इसलिए आप ये याद रखें कि जब तक टाइम नहीं लगता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अच्छा चले, सबसे पहले देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को, इसका सब्जेक्ट फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, याद रखें कि जब भी हैज़ हैव, हाँ प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, जहाँ भी हैज़ हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, उसके बाद उस थर्ड फॉर्म ज़रूर आएगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर परफेक्ट है थर्ड फॉर्म आएगी। सो परफेक्ट से मुराद कोई मकम्मल, कोई भी काम मुकम्मल हो गया, वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, लिहाजा उसके साथ हैज़ हैव ज़रूर आएगा, पास्ट में सिर्फ हैड आ जाएगा, फ्यूचर में हैव आएगा। तो प्रेजेंट में सिर्फ हैज़ का इजाफा होता है, हैज़ लगता है ही शी इट दिस दैट के लिए, यानी सिंगुलर के लिए, वाहज सब्जेक्ट के लिए हम हैज़ लगाते हैं, ही शी या अहमद हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो जमा के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं, ठीक है। आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही इजी पहचान है, थोड़ी सी इसमें पेचीदगी है। पहले मैं इसको इसकी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले सीखते हैं, फिर आगे जाके मैं डिफरेंस बयान करूँगा कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है जी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं लिख सकता हूँ नाउ या राइट नाउ, कोई भी आप लगा सकते हैं, नाउ या राइट नाउ। आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, ही या शी सिंगुलर है, ही या शी हैज़ गॉन टू लाहौर, ठीक है, आप कह सकते हैं राइट नाउ। अच्छा, वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क, जब हम किसी बात पर जोर दे के बात करें कि अभी मैंने हाँ काम ख़त्म किया, तो फिर हैज़ हैव के बाद वर्ब से पहले मैं जस्ट लगाऊंगा। He has just completed his work. He has just gone. He has just left. जब आप किसी बात पर जोर दो, वो अभी गया है, मैंने अभी काम किया है, उसके लिए हम just लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो just है वो has have के बाद और verb से पहले आएगा, जब उस पर ये adverb है उसको हम जोर दे के बात करते हैं, ठीक है। We have just finished our work, या we have just completed our work, we have just accomplished our work, we have just achieved our targets. He has just received his letter. अभी उसने अपना letter जो है ना वो रिसीव किया है। आगे, ठीक है, आगे baby has slept, no, बच्चा सो चुका है, अभी बच्चा सो चुका है, बच्चा अब सो चुका है। जब मैं बोलूँगा अभी सो चुका है, he has just अभी सोया है वो, he has just slept, ठीक है। तो just का इस्तेमाल जो है वो हमेशा present perfect में आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम negative sentences की तरफ। negative sentences में सिर्फ has not या have not, तो शॉर्ट फॉर्म जो हम इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म जो कंट्रैक्शन लगाएंगे, तो फिर एपोस्ट्रोफी लगा के हैवंट या हैजंट, ये मैंने लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं, हैवंट या हैजंट।
तो इसके लिए हम क्या करें, आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क येट, मैंने अभी अपना, येट से मुराद है अभी नहीं, ठीक है। ये भी जस्ट और येट जो है, ये येट नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, कोशिश करें कि इसको नेगेटिव में ही रखें। जैसे आई हैवंट कम्प्लीटेड माई वर्क येट, मैं आपसे पूछता हूँ हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, आप कहते हो नॉट येट, ये शॉर्ट आंसर, नॉट येट अभी नहीं, ठीक है। हैव यू गॉन टू, हैज ही गॉन टू लाहौर, नॉट येट अभी नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें जो जस्ट और येट हैं, जस्ट जो पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल होता है, येट जो है नेगेटिव सेंटेंस इसमें इस्तेमाल होता है कि अभी नहीं के मानों में। ही हैजंट रियली, बाज़ का हम बात पर जब जोर देते हैं, जैसे जस्ट को बाज पर जोर दिया, इसी तरह रियली, डेफिनेटली, श्योरली, ऐसे एडवर्ब्स जो हैं वो आते हैं वो वर्ब से पहले और हैज हैव के बाद इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही हैजंट रियली डन हिज होमवर्क, उसने वाकई अपना होमवर्क नहीं किया है। पी एम हैजंट एड्रेस्ड द नेशन येट, प्राइम मिनिस्टर ने, पी एम से मतलब प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने अभी तक कौम से खिताब नहीं किया है। ही हैज़ डेफिनेटली, डेफिनेटली यकीन, ही हैज़ श्योरली, रियली, डेफिनेटली कम्प्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। तो ये के एडवर्ब जो आते हैं किसी बात पर जोर देने के लिए, ठीक है, आते हैं। तो फिर एक तो हो गया जस्ट हो गया, दूसरा रियली, डेफिनेटली या श्योरली, एब्सोल्यूटली, ऐसे एडवर्ब जो आते हैं वो वर्ब से पहले और हैज हैव, हैज हैव को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है इनकी, हैज नॉट या हैव नॉट। आगे जो है वो है क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हैज ही डन हिज वर्क जॉब येट, क्या उसने अभी तक अपना काम कर लिया है। हैज ही डन हिज जॉब येट या हैजंट ही फिनिश्ड हिज जॉब येट, ठीक है, नॉट येट अभी नहीं। हैवंट यू लर्नड ऑल टेंसेज, क्या तुमने तमाम टेंसेज सीख लिए हैं। नॉट येट नहीं अभी नहीं, ठीक है। इसी तरह जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएंगे उनके साथ हम क्या करते हैं, हैज हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले और उनसे भी पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आएंगे, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, हाउ। जैसे वेयर हैज ही गॉन, मैं मतलब ये क्वेश्चन है वेयर हैज ही गॉन, ही और शी हैज गॉन टू लाहौर, ठीक है, ये आंसर है उसका इधर मौजूद है। व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है, मैं कह सकता हूँ व्हाट हैज ही डन अनटिल नाउ या अप टू नाउ, अप टू नाउ या अनटिल नाउ, अब तक उसने क्या किया है, ठीक है। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क अप टू नाउ, ओके, उसने अभी तक या टिल नाउ या अप टू नाउ, अप टू नाउ पहले भी आ सकते हैं सेंटेंस के या बाद में भी आ सकते हैं, अप टू नाउ या अनटिल नाउ, ही हैज फिनिश्ड या कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आइए अब हम देखते हैं के प्रेजेंट परफेक्ट या और पास्ट इंडेफिनेट में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है, उसको ज़रा इजीली समझने की कोशिश करें। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ज़रा अटेंटिवली आप लिसनिंग करें, इंशाल्लाह आप इसको जल्दी सीख जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे देखें आप कि ही हैज़ गॉन टू लाहौर, यह है ही हैज़ गॉन टू लाहौर। जब मैं पूछता हूँ व्हेन डिड ही गो टू लाहौर, ठीक है जी, ये जो है ये है कि डिड, क्योंकि आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है या पास्ट सिंपल है। व्हेन डिड ही गो टू लाहौर, टू डेज अगो, ठीक है, दो दिन पहले। जब आप टाइम लिखेंगे तो जुमला जो है पास्ट में चला जाएगा। आप ये नहीं कह सकते ही हैज कम बैक फ्रॉम लाहौर यस्टरडे, जब यस्टरडे लगेगा या डे बिफोर यस्टरडे या टू डेज अगो या थ्री डेज पास्ट, ठीक है। ऐसे वर्ड जब आएंगे तो हमने पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म आती है हैज हैव, या थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। अच्छा जी, ये है वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है, बेबी हैज स्लेप्ट नाउ। जब मैं आपसे पूछता हूँ वेयर इज हिज फ्रेंड, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ वेयर इज या वेयर हैज
his friend नहीं, मैं जब कहता हूँ वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क, तो अब मैं जब पूछता हूँ वेन डिड यू, क्वेश्चन आ गया वेन डिड यू, डिड यू याद रखें पास्ट इंडेफिनेट है, वेन डिड यू फिनिश योर वर्क, क्वेश्चन आ गया वेन डिड यू फिनिश योर वर्क, जब आप जस्ट लगाएंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, जब आप बोल टाइम बताएंगे टू मिनट्स अगो या बैक, ठीक है, दो मिनट पहले मैंने अपना काम, आई कंप्लीटेड या आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है जी। टाइम हाँ एक मिनट भी हो या दो मिनट का हो वो भी पास्ट में चला जाएगा, हाँ सौ साल का हो या दो मिनट का हो या एक घंटे का हो, जब आपने टाइम लगा दिया तो वो फिर जुमला पास्ट में चला गया, ठीक है। जब आप लगाएंगे यस्टरडे, अगो, पास्ट या बिफोर, तो फिर क्या होगा कि पास्ट टेंस में जुमला चला गया, तो फिर ये डिफरेंस है। जब आपने काम अभी अभी ख़त्म किया है तो फिर जस्ट लगाएंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते ही जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, नहीं ये रॉन्ग, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ग्रामेटिकली ठीक है, स्पोक ग्रामेटिकली इस तरह होगा ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज या कम्प्लीटेड हिज वर्क, आप नहीं कह सकते ही जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क टू मिनट्स अगो, नो, फिर आपने लगाना तो फिर ही फिनिश्ड हिज वर्क टू मिनट्स अगो, जस्ट लगाएंगे तो फिर प्रेजेंट होगा, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड या कम्प्लीटेड हिज वर्क, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। जैसे मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप पास्ट टेंस में जाएंगे तो उसमें टाइम होगा, ठीक है, पास्ट टाइम वर्ड्स, मतलब लास्ट, ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मार्च, लास्ट अप्रैल, लास्ट अगस्त, कोई भी जो है, ठीक है, या दिनों के नाम है या महीनों के नाम है, जब आप लास्ट लगाएंगे तो पास्ट में चला जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे या टू डेज अगो ही हैज़ कंप्लीटेड, नो, जब टाइम आ गया तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी ही और सेकंड फॉर्म, ही कंप्लीटेड हिज वर्क हैज हैव नहीं है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क टू डेज अगो, ठीक है, वो लाहौर जा चुका है, वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन हिज फूड, ओके, जब आएगा जब मैं, उसने खाना कब खाया है, व्हेन डिड ही ईट हिज फूड, ही एट, एट आएगा ए टी ई, ही एट हिज फूड टू मिनट्स या फाइव मिनट्स बैक। उसके बाद हमें जो कन्फ्यूजन होती है बाज़कात, वो एक ही सेंटेंस में हैज़ और हैव के बाद एक आता है हैड, हम परेशान हो जाते हैं कि हैज़ हैव के बाद हैड क्यों आता है, तो भाई याद रखो हैज़ हैव जो हैं, जब इनके पास बताया मैंने कि थर्ड फॉर्म आती है, तो चूँकि जब ये हैज़ हैव ऑग्ज़िलरी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे तो यकीनन इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये बाज़ का ये हैज़ हैव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर होते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, ठीक है, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, शी हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ टेबल, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हो गए हैं, आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ पेन, ठीक है, तो जब मैं कहूँगा उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ हैड हिज फूड, चूँकि हैड से मुराद खाना भी है, हैड बाज़ का टेक का मामला भी इस्तेमाल होता है, हैव यू हैड योर डिनर, क्या तुमने अपना डिनर यानी डिनर खाना खा लिया है, शाम का खाना, हैव यू हैड योर लंच, क्या तुमने अपना लंच खा लिया है, कर लिया है, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर लिया है, तो भाई बाज़ का ये टेक के मानों भी आता है, ठीक है, तो इसलिए जब हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो हैज़ हैव जो हैड है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं इस्तेमाल होता, जैसे ही हैज़ हैड हिज डिनर, उसने अपना डिनर
कर लिया है, डिनर यानी शाम का खाना, या ही हैज़ हैड हिज़ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी उसने अपना नाश्ता कर लिया है, ठीक है। टेक भी आता है, ईट भी आता है, लेकिन मैं इसलिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ कि जब हैज़ हैव के बाद हैड आता है तो हैड वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरी जो कन्फ्यूजन है बाज़ का आती है, हैज़ गॉट हैव गॉट, भाई ये गॉट जो है, गेट गॉट जो इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्रेशन है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब गॉट आता है तो इसका मतलब है टेक है। हैव यू गॉट योर पेन, यानी क्या, हैव यू टेकन योर पेन, ओके, हैव यू गॉट योर पेन बैक, क्या तुमने अपना पेन वापस ले लिया है, तो ये इसके टेक के मानों में, गेट जो गॉट है वो टेक के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो या वैसे भी कहते हैं, हैव यू हैड योर पेन बैक, क्या तुमने अपना पेन वापस ले, हैव यू हैड योर पेन बैक, क्या तुमने अपना पेन वापस ले लिया है, या हैव यू गॉट योर पेन बैक, क्या तुमने अपना कलम वापस ले लिया है। तो हैड जो है वो वापस टेक के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टेंस के लिए, के लिए बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह, जब ना हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।